हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल फूड इंचार्ज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी टाकोज। गाइस, टाकोज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस तरह से बच्चों को बनाकर दे, बहुत ही पसंद से खाएंगे और ये बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मेरे यहाँ जो रोटी नाश्ते में बनी थी, तो इसमें से कुछ रोटियाँ बच गई थी, तो मैंने इसे शाम में इस तरह से टाकोज बनाकर बच्चों को दिए। बच्चे ने बहुत ही पसंद से खाया। तो चलिए हम बनाते हैं टाकोज। गर्मी का सीज़न है तो बासी रोटी ना इस्तेमाल किया करें। तो टाकोज बनाने के लिए ये हमने ले लिए हैं कुछ चीज़ें। इधर हमने गैस के ऊपर चढ़ा दी है पैन, और पैन में हमने डाल दिया है तेल। और तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाता है, हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च को लंबी लंबी स्ट्रिप काट कर मैं तेल में डाल दे रही हूँ। और ये देखिए, जैसे ही हमारी हरी मिर्च थोड़ी सी चटकने लगे, हम इसे थोड़ा सा चला देते हैं। एक मीडियम साइज़ के प्याज को डाल देंगे। इसे भी हम बारीक चॉप करके डाल देंगे गाइस। और इसे भी हम थोड़ा चला लेते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही हमें पकाना है गाइस। साथ ही में हम डाल लेंगे एक गाजर को, मैंने बारीक बारीक काट लिया है लंबी लंबी स्ट्रिप में। तो इसी तरह से काट लें, और काटने के बाद आप इसे भी डाल दें पैन में। और साथ ही हम डालेंगे शिमला मिर्च, इसे भी बारीक चॉप कर लें। इन सभी सब्जियों को डालने के बाद हम इसे थोड़ा चला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइस। तो यहाँ पे मैं आधी छोटी चम्मच डालूँगी चिली फ्लेक्स। यहाँ पे आप चिली फ्लेक्स वगैरह भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जितना आपको तीखा पसंद है, आप उस हिसाब से लें गाइस। हमने पहले हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। अब हम डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर आधी छोटी चम्मच, और साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे इसी तरह से चलाकर भून लेंगे ताकि सब्जियों में जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग है तो आप डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं गाइस। साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़े से हल्दी के पाउडर अच्छे से कलर के लिए। इसे भी डालकर हम इसे भून लेते हैं। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़े से हमें इसे हल्के से फ्राई ही करने हैं ताकि इसे कच्चेपन निकल जाए। अब हमने जो आलू बॉईल करके रखे थे, इसे मैश करके डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साथ ही में हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप ज़रूर से डालें आप, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है हमारे टाकोज स्टफिंग में। और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और स्टफिंग को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इसका टाकोज बनाएंगे गाइस। तो यहाँ पे जो हमने रोटी ली थी, तो ये देखिए हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, और जो हमारी रोटी थी इसके ऊपर हम लगाएंगे इस तरह से टमाटो केचप। और हमने जो स्टफिंग बनाई थी, स्टफिंग को वन साइड में इस तरह से फैला देंगे जिस तरह से मैं फैला रही हूँ। तो भर भर के आप इसमें स्टफिंग डालेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी टाकोज आपकी। और इसके ऊपर से मैं थोड़े से पनीर के स्लाइसेस डाल दे रही हूँ। पनीर डालने से हमारे टाकोज का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको पनीर खाना पसंद है तो आप ज़रूर से डालें। तो यहाँ पे देखिए, हमने गैस के ऊपर पैन चढ़ा दिया है और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल, और जो हमने स्टफिंग भर कर रखी थी टाकोज वाली, अब हम इसे स्लो फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आप स्लो फ्राई कर लें अच्छी तरह से दोनों साइड से, और ध्यान दें कि आपकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। बस ये कुछ ही सेकंड्स में अच्छे से फ्राई हो जाती हैं गाइस, और बहुत ही टेस्टी सी हमारी टाकोज बनकर रेडी हो जाती है। तो इसी तरह से हम सभी टाकोज को बनाकर रेडी कर लेंगे गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखिए, हमारी बस 4 से 5 मिनट में टाकोज बनकर रेडी हो चुकी है बचे हुए रोटी से। अगर आप इस तरह से टाकोज बनाकर एक बार खाएंगे ना, तो आप बार बार रोटी बचा कर रखेंगे इस तरह से टाकोज बनाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। सभी लोग बस मांग मांग कर इसे खाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारी सभी टाकोज बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं देखने में, और खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो आप इस तरह से टाकोज बनाकर एंजॉय करें गाइस। फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। टेक केयर।